हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम, अगर हमारे पार्टनर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए समान इंपॉर्टेंट है, तो अगर हमारी पार्टनर किसी और को चाहने लगे, किसी और को पसंद करने लगे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने पार्टनर को वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक में है। अगर आपको भी मन में ये शक है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ प्यार तो नहीं कर रहा है, या फिर आपको ये जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले आपको जो करना है वो है, आपको पहले क्लियर करना है कि क्या सच में वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, या फिर आपके दिमाग की बहम है, मतलब आप खामखा उन पे शक कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मेन जरूरी बात ये है कि आप पहले क्लियर करो, चाहे आप कैसे भी क्लियर करो, उनको पूछो, उनकी जो हरकतें हैं उन पर नजर रखो, कुछ भी करके पहले आप पता करो। और अगर आपको नहीं आता है कि कैसे पता करें कि पार्टनर किसी और के साथ प्यार कर रहा है या फिर नहीं, तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो। उसमें मैं बताई हूँ कि पार्टनर अगर किसी और के साथ प्यार करता है तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है, तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। तो पहला ही काम है, आपको पहले क्लियर करना है कि क्या सच में वो किसी और के साथ प्यार करने लगे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और को वो थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए, जैसे क्लियर हो गया, अब मान लीजिए कि हाँ ऐसा ही है, वो किसी और से प्यार कर रहे हैं। अब देखिए, अगर वो किसी और के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच ही गए, बहुत ज़्यादा उनको प्यार कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि कैसे भी करके, चाहे समाज के डर से हो, चाहे कोई भी कारण से हो, आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर कैसे भी करके उनसे रिश्ता तोड़ के आपके पास वापस लौट आए, अगर आप ये चाहते हो, तो मैं आपको बताऊँ ये सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है मैं बताती हूँ। देखिए, अगर वो इंसान जिसके साथ आप लाइफ गुजारना चाहते हो, जिसके साथ आप एक छत के नीचे रहोगे, एक साथ खाना खाओगे, एक साथ रहोगे, वो अगर दिल से आपको प्यार नहीं करते या फिर करती है, उसके दिल में कोई और बसा है, तो ऐसी नकली रिलेशन में क्या आप खुश रह पाओगे? पहले आप ये खुद को क्वेश्चन करो, ठीक है। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उसको कैसे भी करके छुड़ा के हम अपने पास लेके आ जाएंगे, फिर हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। एक पक्षी को अगर आप आज़ाद छोड़ दोगे, वो जितनी खुशी से उड़ेगा, उसको अगर आप पिंजरे में कैद करके सोचोगे कि वो उतना खुश रहे, तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो किसी और के साथ प्यार में एकदम आ ही गए, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, और इसके चलते आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ वो रहना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे इंसान के साथ रहना आपको कभी भी नहीं चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि तो फिर हम किसके साथ रहें? दोस्तों देखिए, भगवान जो है ना, वो सबकी जोड़ी बना के भेजे हैं। अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो वो आपका है ही नहीं। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो इंसान आपको छोड़ के चला जाए वो आपका कभी नहीं था, और जो आपका है वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऊपर वाले ने आपके लिए किसी ना किसी को बना के ही भेजा है, तो आप इतना टेंशन मत लो, और उनको पूछो कि क्या सच है उनको किसी से प्यार है। अगर मान लीजिए नहीं है, ये बस आपके दिमाग की खिचड़ी है, मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि वो किसी और के साथ प्यार कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप शक कर करके रिलेशन को ख़राब कर दोगे। तो भलाई यही है कि आप दोनों बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लो। अगर आप देखोगे कि नहीं, वो किसी और के साथ प्यार कर रहा है और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप उनको छोड़ दो। आप ये कहो उनको, आप ऐसा नहीं कि आप झगड़ा करो, आप उनको ये कहो कि देखो, अगर तुम्हें उसके साथ खुशी मिलता है, उसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम जाओ उसके साथ, मेरे साथ आप रिलेशनशिप तोड़ दो। तो अगर यहाँ पे आपका पार्टनर आपको सच्चा प्यार करेगा, तो वो कभी भी उसके साथ नहीं जा पाएगा, वो आपके ही साथ आ जाएगा। जैसे मैं अभी कही कि जो आपका होगा वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो आपको ये क्लियरली बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी और को चाहते हो, तो बेशक आप उनके साथ जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो उनके साथ चला जाता है, तो एक बात याद रखना, एक बात मान लेना कि ये आपके लिए अच्छा हुआ, कि
वो आपका था ही नहीं, आप खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हो, खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो अच्छा ये होगा आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने जो लाइफ है उसको बेटर बनाओ, बेहतर बनाओ, फिर जो आपके लिए बनाया गया है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, उनको भगवान ज़रूर फिर मिला देंगे, फिर आप सुखी होंगे, खुश होंगे। लेकिन उस तक आपको पहुँचना होगा, वो उस मंजिल तक आपको पहुँचना होगा। तो इसीलिए किसी भी साथी का जाने का या फिर आने का गम मत कीजिए, आपके लिए जो सही होगा भगवान ने वही सोच के रखा है और वही आपके साथ होगा। तो पहले जो मैं बताई क्लियर करो, फिर यही डिसीजन आप लो आपके रिलेशन के लिए, आपके लव के लिए, आपके लाइफ के लिए, ये एकदम बेहतर डिसीजन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कोई और क्वेश्चन हो अपने मन में तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, और मेरे जो दूसरे नए चैनल है श्रीपर्ण श्री ऑफिशियल उसमें भी जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी नई नई अमेजिंग लव टिप्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।